टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि टोरेंट पावर के जो पीआरओ है चेतन बधियानी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। दरअसल मुमताज शहर में टोरेंट पावर को लेकर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि टोरेंट पावर का मीटर जो है वो काफ़ी फास्ट चलता है और पीडी को लेकर जो है तरह के सवाल उठते हैं, इसी को लेकर जो है आज टोरेंट पावर के जो पीआरओ है चेतन बधियानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब दिया है चेतन बधियानी ने। चेतन सर, आज टोरेंट पावर के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या मामला, किस मुद्दे पर रखी गई है, थोड़ा आप विस्तार से बताओ। नमस्कार। बेसिकली कैसा है कि टोरेंट पावर MSEDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर शिलकलवा मुमरा में मार्च 2020 से काम कर रहा है और रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, जो भी प्रोविजंस है उसके अनुसार काम कर रहा है, लेकिन घूम फिर के कुछ लोग बेबुनियाद प्रोपोगंडा करके कोई भी बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं कि टोरेंट पावर जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता और अपने तरीके से काम करता है। तो उस वजह से थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था मैं कि आज टोरेंट पावर जो है इस एरिया में शिल मुमरा कलवा में MSEDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर काम कर रही है, तो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट के बतौर काम करने के लिए बाध्य है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट जो है MSEDCL के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देखना चाहे तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उसमें क्या काम और कैसे करना है। टोरेंट पावर के सारे अग्रीमेंट में डिटेल्स दिए हुए हैं, उसका आप MSEDCL के वेबसाइट से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आज एज अ यूटिलिटी अगर हम इस एरिया में काम कर रहे हैं तो सप्लाई कोड MERC का सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के जो भी प्रोविजंस है उसके अनुसार उसको फॉलो करके, सारे गाइडलाइंस और रेगुलेशंस फॉलो करके ही हम काम करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, वो बिल बनाना हो, बिल रिलेटेड हो, या फिर आपका और कोई काम हो जैसे कि कंप्लेंट अटेंडेंस हो या नेटवर्क लेइंग हो, ये सारी चीज़ें जैसे रेगुलेशंस में डिफाइंड है उस तरीके से टोरेंट पावर काम करती है। सर, आप कह रहे हैं कि टोरेंट पावर जो है अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है, लेकिन आरोप ये बार बार लग रहा है कि टोरेंट पावर जो है वो राजनीतिक पार्टियों के कहने पर काम करती, क्या ये सच है? नहीं, देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी से इसको जोड़ना गलत हो जाएगा। टोरेंट पावर यहाँ पे इस एरिया में एज अ फ्रेंचाइजी अपॉइंट की गई थी MSEDCL द्वारा। MSEDCL का टेंडरिंग प्रोसेस था जो इस एरिया के लिए टेंडर MSEDCL का टोरेंट पावर ने जीता था और यहाँ पे उनको अपॉइंट किया, टोरेंट पावर को अपॉइंट किया गया एज अ फ्रेंचाइजी ऑफ MSEDCL। तो हम सारे कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो काम है वो सारों के लिए हो रहा है, किसी एक के कहने पे या किसी दूसरे के कहने पे काम हो रहा है ये गलत हो जाएगा। दूसरा कैसा है कि टेंडरिंग प्रोसेस जो हुआ उसके सारे डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल थे, तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि टेंडरिंग क्या हुआ था, कैसे हुआ था और टोरेंट पावर किस तरीके से और क्या डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट के डिटेल्स के हिसाब से काम कर रही है। वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल है। साहब, सर, हाल फिलहाल में ही एक मोर्चा हुआ था अभी, और मोर्चे में टोरेंट के ऊपर आरोप लगा है कि टोरेंट जो है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता। देखिए, टोरेंट पावर रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता या अपने तरीके से काम करता है, ये लोग जो बेबुनियाद बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसलेस बात है। कैसा है कि ये बहुत जनरल स्टेटमेंट ग्रुप्स या लोग अपने तरीके से कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक केस या कोई स्पेसिफिक दावे के साथ कुछ लेके नहीं आते। तो आपके ज़रिए मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई केस है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा कस्टमर है कि जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसे टोरेंट पावर के पास लेके आइए, हमारे कस्टमर केयर में आइए, हमारे ऑफिसर से मिलिए और हम बिल्कुल उसमें देखेंगे कि अगर कहीं पर कुछ रिविजन की या रिव्यू की ज़रूरत है उसको हम हमारे तरीके से रिव्यू करके पूरा सपोर्ट करेंगे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके मीटर काफ़ी फास्ट है, उसकी वजह से बिल भी ज़्यादा है, ऐसा कई आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको समझना है कि बिल आपके जो बनते हैं ये आपके मीटर में जो रीडिंग आता है उसके हिसाब से बनते हैं। मीटर जो आज लगाए जा रहे हैं टोरेंट पावर के द्वारा, ये मीटर MSEDCL के स्पेसिफिकेशंस के अनुसार से MSEDCL अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वेंडर्स से लिए गए मीटर है।
ये किसी भी कस्टमर के यहाँ लगाने के पहले इनका टेस्टिंग होता है हमारे लैब में। हमारी NABL एक्रेडिटेड लैब है, NABL सर्टिफाइड लैब है। हर मीटर जो कस्टमर के यहाँ पे लगाया जाता है उसका टेस्टिंग होता है, बकायदा उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल होती है। कोई अगर मानता है कस्टमर तो हम उसको दे सकते हैं। ये हमारे NABL लैब का सर्टिफिकेशन है जो आपके थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा। हमारी टेस्ट लैब जो है वो NABL सर्टिफाइड लैब है। तो जो भी मीटर लगाए जाते हैं टेस्टिंग के बाद लगाए जाते हैं, ये मीटर्स जो है ये रिनाउंड वेंडर से लिए गए मीटर है। ये वो वेंडर्स है जो पूरे इंडिया में अलग अलग कंपनीज के लिए मीटर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉरंट के लिए ये मीटर बनाते हैं, ठीक है। सर, मुंद्रा शहर में कुछ वीडियो वायरल हो रही है मीटर को लेकर, उसमें बताया जा रहा है, शख्स बोल भी रहा है कि हमारे घर की लाइट बंद है, उसके बावजूद 10 रीडिंग आई थी, अचानक रीडिंग इतनी बढ़ गई है। तो आखिर ये कैसे संभव होता है कि किसी का बिल एक महीने का 400-500 आता है, लेकिन उसी बाजू में एक कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा है उतनी इस्तेमाल उसका होता है, लेकिन उसका बिल 6,000-7,000 आता है, तो ये आखिर क्यों होता है? नहीं देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका बिल जो बनता है ये आपके मीटर के रीडिंग के हिसाब से बनता है। जब टॉरंट पावर ने टेक ओवर किया तभी काफ़ी सारी जगहों पे मीटर जो थे फॉल्टी थे, कुछ मीटर ऐसे थे जो टैम्पर्ड थे जिसके साथ छेड़खानी हो रखी थी, कुछ मीटर बंद थे और वहाँ पे एवरेज रीडिंग या एवरेज के बिल बन रहे थे। तो ये उस मीटर को स्टडी करने के बाद ही बता सकते हैं कि उसका रीडिंग क्या और कितना आता है। आज दो चीज़ें हैं, एक है आपका रीडिंग जो गिरता है मीटर पे उससे आपका बिल बनता है, दूसरा है टैरिफ। टैरिफ मतलब जो दर लागू है लोगों को। आज जो दर शिल मुमरा कलवा में कस्टमर्स को लागू है ये वही दर है जो MSEDCL के कस्टमर्स को पूरे महाराष्ट्र में लागू है। ऐसा नहीं है कि टॉरंट पावर कुछ अलग लगाएगी या टॉरंट पावर को एक पैसा इधर से उधर करने की अथॉरिटी है। ये वही रेट्स है जो MERC ने MSEDCL के लिए पूरे महाराष्ट्र के लिए अप्रूव किए हैं और वही शिल मुमरा कलवा के लोगों को भी लागू है। तो जब मीटर आपका जो है वो स्टैंडर्ड मीटर लगाया जा रहा है जिसका रीडिंग आप वापरते उसके अनुसार है, दर वही है जो महाराष्ट्र में बाकी के लोगों को लागू है, तो उसमें आपका जो वापर है उसी के हिसाब से आपका बिल बनता है। तो कोई अगर केस है ऐसा है जहाँ पे फ़र्क है तो वो स्टडी करने के बाद बता सकते हैं, बाकी उसमें अलग कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक आपके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई चाहे तो अपना खुद का मीटर भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप टॉरंट का ही मीटर लगाए या टॉरंट द्वारा जो दिया जा रहा है वही मीटर लगाए। कस्टमर्स खुद का भी मीटर लाके लगा सकते हैं। उसको कैसे लगाना है आप हमारे कस्टमर केयर में एप्लीकेशन करिए, आपको वहां से समझाया जाएगा। सर, कुछ बिल्डिंग के जो डेमोलिश हो गई है और धोखा जाए कि लोग वहां पे नहीं रहते नहीं, उसके बावजूद भी उनको बिल आ रहा है, नोटिस आ रहा है और उनके ऊपर मामला दर्ज किया जा रहा है, इसको लेकर क्या? देखिए, कैसा है कि अगर कहीं पर मीटर था या मीटर है, डिमोलिश हुआ है वहां पर मीटर था, मीटर था तो उसका जो रीडिंग हुआ है या उसका बिल है वो बिल का मीटर का बिल तो बनता ही है। अगर वहाँ पे बिल बकाया है तो उसका रिमाइंडर आपको भेजा जाता है कि भाई ये बकाया है। अभी वहाँ पे अगर बकाया है उसको भरना कस्टमर के लिए बिल्कुल ये है, और उसको हम अगर रिमाइंड नहीं करेंगे तो वहाँ का बकाया बिल कौन भरेगा? तो वो रिमाइंडर तो जाएगा ही कस्टमर की तरफ। वहाँ लोग नहीं रहते उसके बावजूद भी बिल आ रहा है, वहाँ नहीं रहते हैं तो ऐसा कोई केस होता आप मेरे को दीजिए। क्योंकि कैसा है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक, अगर वहाँ पे नहीं रहते तो उनका मीटर अगर था तो वो बंद था, तो वहाँ पे अगर पहले एवरेज रीडिंग होती थी तो एवरेज रीडिंग का अगर पहले का बिल बाकी है तो वो गया। नहीं, कुछ इमारतें ऐसी थी जो धोखादायक में आई, तोड़ दी गई, तो लोग वहाँ से चले गए, दूसरी जगह चले गए, लेकिन उनका बिल अभी भी आ रहा है, टॉरंट पावर की तरफ से उनको नोटिस भेजा जा रहा है। आपका अगर वहाँ पे बकाया राशि है, देखिए मीटर जो है किसी व्यक्ति के नाम से नहीं दिया जाता है, मीटर जो है जगह के लिए दिया जाता है। एक जगह पे अगर कोई बिल बाकी है तो उसका रिमाइंडर नोटिस उसके लिए भेजा जाता है। ये एक रेगुलेशन के हिसाब से है कि भाई आपका अगर बकाया है तो आपको रिमाइंडर भेजना है, तो वो रिमाइंडर बोलो या आप नोटिस बोलो। अगर वहाँ का बकाया था, आप वहाँ रहते थे, तो आपको वहाँ पे बकाया के लिए रिमाइंडर कंपनी के द्वारा भेजा जाता है। भले ही आपका वो पहले का बिल बाकी है, बिल अगर बाकी है तो आपको वो भरने तो आएगा ना साहब। सर, कहीं कहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप रहता है कि जो बिल है वो डबल आते हैं। पहले हम जो बिल भरते थे वो 500, 600, 700 के लगभग थे, लेकिन अब जो है डायरेक्ट हमें 1500, 2000 ऐसे बिल आते हैं। देखिए, आप जो वापरते हैं उसके हिसाब ही बिल आता है, ये मैं दोबारा कहूँगा।
आपका मीटर आप जो वापर रहे हैं उसको कैप्चर करता है, रीडिंग होती है और उसके हिसाब से बिल बनता है। दर जो है पहले जो था या MSEDCL का जो दर है आज भी वही लागू है, अलग कुछ भी नहीं है। तो आपके वापर के हिसाब से उसी दर से जो बिल बन रहा है वो आपको आ रहा है। हाँ, पहले ये हो सकता है कि शायद आपका मीटर ठीक नहीं चल रहा था या आपके यहाँ पे एवरेज बिलिंग हो रही थी या ठीक से रीडिंग नहीं हो रही थी, अगर उस वजह से कुछ अलग आ रहा था तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपका आज की तारीख में मीटर सटीक है, आपका रीडिंग रेगुलर हो रहा है, तो आपका बिल जो आपके वापर के हिसाब से वो तो आएगा साहब, वो आपके वापर का बिल है और उसमें रेगुलर रीडिंग के हिसाब से आपका बिल बनता है। दूसरा, लोग बार बार कहते हैं कि भाई अगर आपका मीटर ठीक नहीं है, आपका मीटर फास्ट है, तो मैं आपके ज़रिए लोगों को ओपनली कहता हूँ कि आप अगर चाहे तो हमारे मीटर को आप पैरेलल में अपना मीटर लाके भी लगा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप MSEDCL सर्टिफाइड कोई भी मीटर, उनके लैब में टेस्ट किया हुआ कोई भी मीटर आपके यहाँ पे अगर लगाना चाहे आपके मीटर में पैरेलल, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पैरेलल लगाइए, देखिए दोनों की रीडिंग में आपको अगर कुछ फर्क आता है तो फिर बताइए। सर, लोगों का ये भी कह रहे हैं कि जो PD का मामला है, दरअसल जब महावितरण थी उस वक्त अधिकारियों की वजह से जो है ये PD का मामला सामने आ रहा है, तो जो भ्रष्ट अधिकारी थे अब उनका खामियाजा PD भरने की वजह से आम जनता क्यों उठाए? देखिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो महावितरण के वक्त पे थे और जिनकी वजह से आज PD हुई और जो उपभोक्ता है उन्हें टोरेंट पावर के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है कि आपका PD बकाया बिल जमा किया जाए, तो आखिर जनता क्यों उठाए? तो जो अधिकारी थे उनकी उनकी भी इसमें मिली भगत क्यों? देखिए, किसी अधिकारी या किसी इसके बारे में कमेंट करना गलत हो जाएगा। इसमें एक चीज़ अपने को समझना ज़रूरी है कि आपकी जगह पे पहले के बिल का बकाया है, वो मीटर बंद हो गया है लेकिन आपका वहाँ पे बकाया है परमानेंट डिस्कनेक्टेड मीटर का, तो उसको PD का बकाया बोलते हैं। ठीक है, आज रेगुलेशंस के हिसाब से एक जगह के ऊपर अगर PD मीटर का बकाया राशि है तो वहाँ कंपनी नया मीटर नहीं रिलीज कर सकती। आपको पहले का आपका बिल क्लियर करना है, उसके बाद ही कानूनी तौर पे हम आपको नया मीटर दे सकते हैं। और इसी में लोगों की सुविधा के लिए, इसी में लोगों के सपोर्ट के लिए महावितरण के डिस्कशन के साथ हमने स्कीम लाई थी जिसमें PD बकाया आप किश्तों में भर सकते हैं। आप अगर एक साथ भरते हैं तो आपको ब्याज माफ़ी मिलती है। किश्त वाली स्कीम जो है 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। ये मौका लेके मैं लोगों को गुजारिश करूँगा कि आपके यहाँ पे अगर PD बकाया है तो प्लीज़ किश्तों में अगर आप भरना चाहें 31 दिसंबर को ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, तो उसका आप फ़ायदा लें और जल्द से जल्द उसको भरें। दूसरा, अगर आप नहीं भरते हैं तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी और वो आपके लिए ही बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपसे गुजारिश है कि आपके यहाँ पे अगर बकाया है तो प्लीज़ उसको क्लियर करके आप नए मीटर के लिए अप्लाई करें और लीगल सप्लाई को ही यूज़ करें।